जैसे शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में भी एक डार्क थीम होती है और जैसे शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में भी कुछ कॉमिक एलिमेंट्स या कॉमिक मोमेंट्स होते हैं, इसी तरह हिस्ट्री जो कैटेगरी है विलियम शेक्सपियर के प्लेज़ की, उसमें कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है और इनके बीच में जो कुछ भी आ सकता है वो सब है। शेक्सपियर ने जितने भी प्लेज लिखे वो ड्रामा की फॉर्म में लिखे और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का एंटरटेनमेंट करना था। शेक्सपियर ने खुद अपने प्लेस को कैटेगराइज नहीं किया है। शेक्सपियर ने नहीं कहा कि ये मेरा प्ले हिस्ट्री है, ये कॉमेडी है और ये ट्रेजेडी है। वो तो जो शेक्सपियरियन स्कॉलर्स हैं ये उनका काम था। और हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अपने तरीके से ही किसी चीज़ को देखते हैं। नॉर्मली हम विलियम शेक्सपियर के उन 10 प्लेज को हिस्ट्री कैटेगरी में रखते हैं जिन्होंने इंग्लिश हिस्ट्री को बताया, ख़ास तौर से 12वीं से 16वीं शताब्दी के इतिहास को। और अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो 1399 से 1485 तक के पीरियड का इतिहास जिन प्लेज में विलियम शेक्सपियर ने बताया है उसी को हम हिस्ट्री प्लेज में रखते हैं। हर एक हिस्ट्री प्ले का नाम उस शासक के नाम के ऊपर लिखा गया है जिसके पीरियड की कहानी विलियम शेक्सपियर बता रहे हैं। अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएं, बिल्कुल क्रम के अनुसार अगर हम बताएं, तो शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस कुछ इस तरह से होंगे: किंग जॉन, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट वन, हेनरी फोर्थ पार्ट टू, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स्थ पार्ट वन, हेनरी सिक्स्थ पार्ट टू, हेनरी सिक्स्थ पार्ट थर्ड, रिचर्ड थर्ड और हेनरी एट्थ। तो ये 10 प्लेज हिस्ट्री प्लेज कहलाते हैं विलियम शेक्सपियर के। ये जो प्लेज हैं ये ड्रामेटाइज करते हैं उन 5 जनरेशन्स को और उन 5 जनरेशन्स के स्ट्रगल्स को जो मिडिवल पीरियड में सत्ता के लिए लड़ रहे थे। अब यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये मत भूलिएगा कि जितने भी प्लेज हैं ये वर्क्स ऑफ इमेजिनेशन हैं, ये सिर्फ विलियम शेक्सपियर की कल्पना है और ये बहुत ही लूजली हिस्टोरिकल फिगर्स से मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल रिचर्ड थर्ड हैं, इतिहास जो है एक्चुअल इतिहास, वहाँ रिचर्ड थर्ड की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है और विलियम शेक्सपियर के प्ले में रिचर्ड थर्ड बिल्कुल अलग दर्शाए गए हैं। तो वहाँ से सिर्फ वो आइडियाज़ ले रहे हैं इतिहास से, वहाँ से सिर्फ वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वहाँ से सिर्फ अडेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कहानी विलियम शेक्सपियर की अपनी होती है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बता सकता हूँ। जब आप किंग हेनरी फोर्थ का पार्ट वन और पार्ट सेकंड पढ़ेंगे तो वहाँ हॉटस्पर और प्रिंस हॉल की कहानी सुनेंगे। तो हॉटस्पर और प्रिंस हॉल के बीच में बहुत ज़्यादा गैप था एज का एक्चुअल इतिहास में, लेकिन जब हम शेक्सपियर का प्ले पढ़ेंगे तो वहाँ हॉटस्पर और प्रिंस हॉल की जो एज है वो बिल्कुल सेम बताई गई है, जो कि इतिहास से बिल्कुल इतर है, अलग है। तो आप इन प्लेस को पढ़ते वक्त ये बिल्कुल भी ना समझें कि आप इंग्लैंड का एक्चुअल इतिहास पढ़ रहे हैं। विलियम शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं वो बहुत अपीलिंग हैं। ये ना केवल हमें पॉलिटिकल प्रोसेस समझाते हैं मिडिवल पीरियड का, बल्कि ये रेनेसेंस पीरियड की पॉलिटिक्स भी समझाते हैं और ये हमें झलक देते हैं उस पीरियड के जीवन की, लेकर बॉटम से और लेकर टॉप तक, कि राजा कैसे रहते थे और एक ग्रामीण कैसे रहा करता था। ये सारी चीज़ें विलियम शेक्सपियर की हिस्ट्री प्लेस से हमें पता चलती हैं। रॉयल कोर्ट, नोबिलिटी, टैवर्न लाइफ, ब्रोथल्स, बैगर्स, हर चीज़ विलियम शेक्सपियर ने इस तरह से गढ़ी है कि ऐसा लगता है कि आप उसी पीरियड में चले गए हैं और उस पीरियड के समाज को, उस पीरियड के न्यूसेंस को, उस पीरियड के नॉर्म को आप बहुत अच्छे से जीते हैं।